इस सरकार ने जनता का विनाश कर दिया है। विश्व गुरु बनाते बनाते इन्होंने विश्व गुरु बना दिया है। तो पेट्रोलियम मंत्री जी अपना किडनी बेच देना अगर सरकार का खजाना खाली हो रहा है। भाई तो कहते रहे, उन्होंने कहा है ना एमबीए वालों को रोजगार देंगे, तो मैं एमबीए हूँ, मार्केटिंग में फाइनेंस दीजिए नौकरी मुझे। लाख लोगों में जो उन्होंने कहा साढ़े चार साल में कहा नौकरी दी। अब चुनावी मुद्दा जानते हैं क्या होगा? धर्मांतरण होगा, पाकिस्तान थर थर कांपेगा, थर थर। अब यही चुनाव मुद्दा होगा। किसान 7 महीनों से रोडों पे है, छात्र रोडों पे है, एसएससी के बच्चे रोडों पे है, आखिर आप किस सरकार की बात करते हैं? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुल्म करते आई है। 7 साल का विकास नहीं है, विनाश कर दिया है इन्होंने 7 साल में। बाबा जी हो, जो बाबा जी है ना, उनको गोरखनाथ पीठ में अब की बार बैठिए, आपको 7.5 किलो का घंटा दे देते हैं, आप बजाते रहिए। ऐसी जुल्मी सरकार को अब देश की जनता नकार चुकी है। राम के नाम पे वोट लो, उसके बाद राम के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करो, उसके बाद राम के नाम पे बेरोजगारी कम करो। आज देखिए वैक्सीन विज्ञापनों पे है और बजट भाषणों में रह गया है। ये जो 2019 में हुआ था और 2022 में उत्तर प्रदेश में चालू कर दिए हैं ये संघी बजरंगी बजरंग, ये सब जो है हिंदू युवा वाहिनी, इन्होंने सब कंघी लगा के अब साफ करना चालू कर दिए हैं। अच्छा, महंगाई आज 25 रुपए गैस पे बड़ा महंगाई राष्ट्रीय की बात हो गई है। आप वही सरकार की बात करते हैं जो खून खरीदेगी अंधभक्तों के लिए, ये राष्ट्रीय की बात होगी। महंगाई राष्ट्रीय में है। आप बताइए, जिस सरकार के शासनकाल में जो सरकार कहती थी कि महंगाई, 2012 की बात कर रहे हैं ना, 2014 में आंदोलन करती थी, अगर बैगन भाटा मूली महंगा हो जाता था, आलू महंगा हो जाता था, तो सरकार रोडों पे खड़ी हो जाती थी। लेकिन आज इस सरकार को महंगाई नहीं दिख रही है। आप बताइए, ये सरकार जनता की खून चूसने का काम कर रही है। और राष्ट्रहित में केवल अंधभक्तों के लिए होगा, देश हित में ये नहीं है कि आप खून चूसते रहिए। रोज डीजल, रोज प्रतिदिन आए दिन डीजल और पेट्रोल की महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की महंगाई। अरे भाई, एक तो किसान को आप बताइए, पानी 20 रुपए लीटर मिल रहा है, लेकिन किसान का धान 13 रुपए किलो बिकता है। यही सरकार की बात करते हैं आप, जो सरकार सिर्फ और सिर्फ जुल्म करने पे उतर आई है। ये राष्ट्रहित में नहीं, ये 7 साल का विकास नहीं है, विनाश कर दिया है इन्होंने 7 साल में। इस सरकार ने जनता का विनाश कर दिया है। विश्व गुरु बनाते बनाते इन्होंने विश्व गुरु बना दिया है। आप बताइए, यही सरकार क्या करती है? इस समय केवल 7 साल में नफरत फैलाने का काम किया और कोई काम नहीं किया है। महंगाई भी कोरोना काल में जिस तरह से देश का जो खजाना है कहते हैं खाली हो चुका है, इसलिए चीज़ों को महंगा करना पड़ रहा है, दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है ये राष्ट्रहित में है। जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं 100 के पार है, डीजल 85 के ऊपर पहुंच चुका है, इसीलिए महंगाई बढ़ाई गई है कि जो कोरोना काल में जो जनता के लिए काम किया गया है, जो लोगों के दवाई के लिए, वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई, इसीलिए सारी चीजें की जा रही। तो पेट्रोलियम मंत्री जी अपना किडनी बेच देना अगर सरकार का खजाना खाली हो रहा है। क्यों नहीं बेच के सरकार का खजाना पूरा कर रहे हैं? अपनी जो पेंशन ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, वो रिटर्न कर दीजिए ना। आप बताइए, सारी चीज जनता ही आपका ऐसो आराम दे। ये जनता के खून चूस के जनता के ऊपर डकैती डाल गया, लोगों के पास रोजगार नहीं है। 200 रुपए देखिए, आप बताइए, मैं MBA किया हुआ छात्र हूँ, ठीक है, इस समय वक्त तो रोजगार नहीं है, ये MBA का छात्र होते नौकरी नहीं। आप बताइए, ग्रेटर नोएडा परिचौक देखिए, कितने बड़े मैनेजमेंट कॉलेज बने हुए हैं, मैनेजमेंट कॉलेज बने हैं, लेकिन वहां पे ना कोई कंपनियां हैं ना कॉर्पोरेट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आप क्या बताएंगे? मैं चाहे आप बीटेक की बात करिए, आप MBA की बात करिए, सबसे सीजल कहाँ है रोजगार? सरकार कहती है ना, मैं 1 लाख बताइए, हम बेरोजगार हैं, योगी जी देंगे रोजगार, हो मार्केटिंग और विद फाइनेंस MBA के होंगे, देखो। अच्छा, योग्य है ही नहीं है। अच्छा, योग्य कंगना रानौत देशभक्ति सबसे बड़ी है और देश की जनता बेवकूफ बना रही है। आप बताइए, उनके तो थाली में खाना, एसी में बैठ के सोना है उनको, अब केवल बातें चपड़ 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 ट्विटर और फेसबुक पे आके कर देना है। ग्राउंड पे आए ना, जमीन पे देखें कि जो युवा है कितना परेशान है। सड़कों पे आज स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुले हुए हैं और महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। ये सरकार क्या काम करती है? सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर जुल्म ढाने का काम कर रही है। वही बात हो गई, सच कोने में दुबका है और झूठ दरारों से झांक रहा है।
जयतुरंग योगी सरकार की। अच्छा, हर साल 1,00,000 रोजगार दिए हैं। अरे भाई तो कह तो रहे, उन्होंने कहा है ना एमबीए वालों को रोजगार देंगे, तो मैं एमबीए हूँ, मार्केटिंग में फाइनेंस दीजिए नौकरी मुझे। 1,00,000 लोगों में जो उन्होंने कहा 4.5 साल में कहा नौकरी दिया है, आज दीजिए नौकरी। ये नौकरी सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आ जाता है तब नौकरी की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, रोजगार की बात होती है। आप बिहार के बाद बंगाल में हिंदुत्व खतरे में आ जाता है, अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लिया है, हिंदुत्व खतरे में आने वाला है। आप देख लीजिए इस समय सोशल मीडिया पे धर्मांतरण का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, इस समय नफरत फैलाने का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ वही काम कर रहे हैं, आपस में लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है। पत्रकार महोदय, बीजेपी तो गई, धर्मांतरण उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोगों को जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अब चुनावी मुद्दा जानते हैं क्या होगा, धर्मांतरण होगा, पाकिस्तान थर थर कांपेगा, थर थर। अब यही चुनाव मुद्दा होगा, ये बनाते हैं केवल, क्योंकि इनके पास विकास मॉडल कोई नहीं है। आप विकास आपने कोई किया नहीं है, देश हित में कोई काम किया नहीं है। किसान 7 महीनों से रोडों पे है, छात्र रोडों पे है, SSC के बच्चे रोडों पे है, आखिर आप किस सरकार की बात करते हैं? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुल्म करते आई है, ऐसी जुल्मी सरकार को अब देश की जनता नकार चुकी है, क्योंकि बाबा जी हो, जो बाबा जी है ना, उनको गोरखनाथ पीठ में अब की बार बैठिए, आपको 7.5 किलो का घंटा दे देते हैं, आप बजाते रहिए, वही बजाइए, और क्या किया जाएगा, घंटे बजवाएंगे बाबा से। राम मंदिर तो बन रहा है। अच्छा, राम मंदिर में तो पुजारी बैठे, राम मंदिर बना के आप बताएं राम के नाम पे कितना लूटेंगे। वही है 1992 से लूटते आ रहे हैं राम के नाम पे, ये सिर्फ लूटने का काम किया, सबसे पहले राम के नाम पे वोट लो, उसके बाद राम के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करो, उसके बाद राम के नाम पे बेरोजगारी कम करो। आज देखिए वैक्सीन विज्ञापनों पे है और बजट भाषणों में रह गया है। देखिए पैकेज रोज आता है, हमारी दादी जी रोज पैकेज लाती हैं, सीतारमन जी, और कोई नहीं होता, पैकेज भाव जुमले का पैकेज होता है, वो जनता तक पहुंचता ही नहीं है। आप बताइए 40 करोड़ में विधायक खरीदे जाते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दिया जाता है, यही विकास है? हो हैं, सांस लेने के लिए विकास कहेंगे आप? यही भारतीय जनता पार्टी का विकास है? क्या 2,000 रुपए जो किसानों को सम्मान राशि मिल रही है ठीक नहीं है क्या? अरे क्या सम्मान निधि दिया जा रहा, 5 रुपए भी घर परिवार को नहीं मिल रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को हाथ में देने के लिए छोटा सा बस एको दिया जाता है कि आप 5 रुपए में, अपना 5 रुपए में घर चलता है, वो आपका चलेगा पत्रकार महोदय, घर 5 रुपए में। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वही पूंजीपति, आप बताइए इस वक्त सड़क पे किसान है और बिल्डर्स खेतों में हैं, बताइए पूंजीपति नहीं है? ये राष्ट्रवाद की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में देने की बात है। ये सरकार वही है, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, बताओ कितने तीतर, 4 ही तीतर है ना, 4 ही तीतर इस सरकार को चला रहे हैं, इस देश में ही 4 ओला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि जब तक इसका खात्मा नहीं होगा तब तक इस देश में सुख शांति और समृद्धि एकता अखंडता का प्रतीक नहीं होगा। सरकार तो कह रही है कि रास्ता खुला हुआ है, आइए बातचीत के लिए, क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा, सरकार हमारी मांग क्या है कि तीनों कृषि कानून जो आप संसद भवन से लाए हैं, आप बताइए उसको तीनों आप रद्द कीजिए, MSP पे गारंटेड कानून बनाइए। आप ही कहेंगे संशोधन कर देंगे, आंदोलन खत्म कर दीजिए, आप अगले महीने कर देंगे, 6 महीने कर देंगे, ये ढकोसला मत करिए। आप सीधे सीधे तौर पे जो तीनों काले कानून आप किसानों के लिए लाए हैं इसको रद्द कीजिए, लेकिन ये ढकोसला कर रहे हैं। आप बताइए कृषि मंत्री जी क्या करते हैं? किसी मंत्री जी को पता नहीं है कि धान की रुपाई होती है, धान की बुआई होती है, लेकिन बैठ जाएंगे मंत्रालय में। आप बताइए किसान किसान की बात जानेगा या उद्योगपति किसान की बात जानेंगे? उनको तो चावल 20 रुपए मिल रहा है, 100 रुपए का पॉलिश मार के बेच रहे हैं, गेहूं मिल रहा है उसका पैकेट में आटा बना के बेच रहे हैं, वैसे सरकार की बात कर रहे हैं? हमारा गेहूं तो 15 रुपए में खरीदेंगे, लेकिन उसकी पैकेजिंग और उसकी मार्केटिंग करके आप 500 रुपए बेच तो रहे, MSP बढ़ा दी है। अच्छा, PSP MSP कहाँ बढ़ा दे, कुछ नहीं बढ़ाए हैं। आप बताइए ई नैम पोर्टल की बात करिए, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के ऐप पे आप जाइए, आप वहाँ पे चेक करिए, चाहे धान की मूल्यांकन की बात हो, गेहूं हो, सरसों हो, बाजरा हो, कोई भी हो, कोई मूल्यांकन नहीं, कहाँ से MSP की आप बात करते हैं? वही कहते हैं क्या मन की बात में कि आपकी लीची, बिहार की लीची को दिल्ली के लोग खाएंगे? अरे भाई इससे पहले भी खाते थे। ये सरकार वही मार्केटिंग, जब चुनाव आता है तब
प्रोडक्ट का वो करती है कि धर्मांतरण करो, प्राइस वहीं पे सेट करके प्लेस पे ले जा थोप देती है, सिर्फ लोगों को तोड़ने का काम करती है सरकार। किसान आंदोलनकारी आखिरकार हिंसक क्यों हो गए? क्या सरकार अगर आपकी बात नहीं मानेगी आप हिंसा करेंगे क्या? अब आप बताइए, आप हमारा घर उजाड़ने आ रहे हैं, हमारा आसियाना उजाड़ने आ रहे हैं, तो हम आपका स्वागत करेंगे? अरे आपको स्वागत करना था, आप प्रदेश मंत्री बने हैं, कुछ भी बने हैं, तो आप बीजेपी कार्यालय में अपना स्वागत करवाइए, अपने क्षेत्र में अपना स्वागत करवाइए। आखिर आप बताइए, 7 महीने से किसान रोडों पर बैठा हुआ है, उसके मंच के हमारे पास आएंगे, हमारे घर के पास आएंगे, हमारे ऊपर पत्थर फेंकेंगे, हमारे ऊपर आप वो करेंगे तो हम जुल्म करेंगे, हम आप सहेंगे? तो इसलिए अब की बार धैर्य किया है, लेकिन अगली बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा इस सरकार को। ये सरकार अहंकार में है, ये साजिश कर रही है, हमें कमजोर करना चाहती है, लेकिन हम कमजोर होने वाले नहीं है, इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी तो मनोहर खट्टर ने कहा कि हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, सब्र का बांध कहीं ना टूट जाए हमारा। अब की बार एक्टर ट्रैक्टर रोन है खट्टर ना, खट्टर जी को अब की बार जनता जो है हरियाणा में देख लीजिएगा, आप इनको ट्रैक्टर के बैठा के घुमाएगी, क्योंकि इनको सत्ता से बाहर फेंकना है। अब इनके देखिए, इन सबका ब्रेन वॉश हो चुका है, सब बरगलाए हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्री बात करिए, कृषि मंत्री बात करिए, मुख्यमंत्री बात करिए, प्रधानमंत्री बात करिए, इन सबको पूरा ढकोसला ही नजर आ रहा है। जो हो जहां जुल्म झूठ बोलते रहो, अब झूठ और फरेबियों की सरकार नहीं चलेगी। अब जनता चाह रही है जो देश में महंगाई खत्म करे, किसान की बात करे, छात्र की बात करे, वही सरकार अब देश राज करेगी। भक्त की सरकार है, राष्ट्रभक्त की सरकार चल रही है। अच्छा, राष्ट्रभक्त की सरकार चल रही है, तो अब की जनता भी दिखा देगी कि सिंहासन खाली करो, गद्दी छोड़वा के रहेगी अब की मोदी जी से। राष्ट्रभक्त की बात करते हैं, मतलब आप राष्ट्रभक्त ही दिखाना चाहते हैं। जब चुनाव आएगा तब पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की बात होगी, और चुनाव जब तक नहीं रहेगा तब तक आपको कोई याद नहीं रहेगा, तब तक से वर्चुअल रैली आप करते रहेंगे बस। आप बताइए, क्या लगता है फिर से कोई सेना के जवान मारे जाएंगे क्या? नहीं, अब देखिए, वही जो 2019 में हुआ था और 2022 में उत्तर प्रदेश में चालू कर दिए हैं, ये संघी बजरंगी बजरंग ये सब जो है हिंदू युवा वाहिनी, इन्होंने सब कंघी लगा के अब साफ करना चालू कर दिए हैं। तो इसलिए अब इनसे सावधान रहे जनता, संघियों से, बजरंगियों से, हिंदू युवा वाहिनी से, संघ इन सब से अब सावधान हो जाए, क्योंकि इनके पास सर में तो बाल है नहीं और विकास तो हुआ नहीं, सिर्फ 7 साल मोदी जी दाढ़ी बढ़ाए और बाबा जी को मठ में बैठाना है। तो इसलिए अब की जनता सावधान हो जाए और बाबा जी को मठ में बैठाए, क्योंकि अब देश की जनता चाह रही है कि कोई जो हित की बात करे वो इसी सरकार आए।